मन्नत है हॉस्पिटलाइज्ड। मन्नत को देखने के लिए इबादत मन्नत जिस कैबिन में है वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, कुछ सारे बातें भी करते हैं और मन्नू को देखकर इबादत टच करके वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हाल बन रखा है, और वो तो टच तक भी नहीं कर पाया। जहाँ पर वो देखकर सुभान इबादत को रोक लेता है, ये कहता है कि मन्नत को टच भी मत करना। ये सुनकर इबादत बहुत ही शॉक हो जाती है और उठकर सुभान के तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर सुभान ने उनको बहुत कुछ सुनाया, बहुत इंसल्ट भी किया, जहाँ पर इस सभी के जिम्मेदार सुभान इबादत को ही मानते हैं। और सुभान तो इबादत से ये भी कहती है कि अगर तुमने मेरी बात मान लिया होता, अगर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें मान्य होता तो ये सब नहीं होता। तुम्हारे ही कारण, तुमको ही बचाते हुए, तुम्हारे ही पीछे आते आते मन्नू का ये हाल होता। अगर तुम्हें मेरी बात मान लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे हिस्से का दर्द मन्नू ले लिया, तुम तो बहुत केयरलेस सेल्फिश लड़की हो। ये सब कुछ सुभान ने इबादत को सुनाया और इबादत यह सुनकर सिर्फ रो ही रही थी। उन्होंने एक भी कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। इबादत सुभान को एक बार के लिए भी नहीं रोका कि इस सभी की जिम्मेदार तो मैं हूँ, आखिर क्यों रोकेगी। बहन जो है